Good evening, guys. Am I audible to all of you? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Very good. So, बहुत लोगों के माइक्स ऑन है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू म्यूट योर माइक्स, राइट? बिकॉज नहीं तो सेशन कराने में बहुत दिक्कतें आ जाती है. एंड वी विल गिव यू चांस टू टॉक. ओके, आई विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक, सो दैट वुड बी एन आइडियल टाइम टू यू नो अनम्यूट योर माइक्स एंड स्पीक. ओके, सो all of you are aware ki aaj hum yahan kyun hain, the topic of discussion. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yeah, so what is the topic? Some twin deficit problem. Twin deficit problem. Okay, so kisi ko bhi idea hai iske bare mein, koi study karke aaya hai jo mere ko help kare? Yes ma'am. You have done that. Okay, then very nice. So who said this? I think Madhurima, right? Yes ma'am. Ma'am, me also. Ananya, huh? Yes ma'am. Very good. I like something about you, Ananya, is that aap hamesha ready rehte ho, you know, whatever be it, chahe sahi ho galat ho, wo to baat ki baat hai, but ye initiative lena apne aap mein bahut achhi baat hai. Main baki sab jo yahan pe hai aspirants unko bol rahi hu that you know be ready to take the challenge. हमेशा जो भी हो, सही हो गलत हो, वो तो बात की बात है. एक बार कोशिश करना ही इम्पोर्टेंट है. This UPSC exam demands that you have to take the initiative, right? जब initiative लेना शुरू करते हैं, once you become vocal, then you understand कि हाँ पे कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, तब आप काम करना शुरू करते हो. जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि हाँ ma'am, I actually searched this on Google, so I didn't reply, ma'am. Actually, I also have done some preparations before the class. Look, Gargi, once when I am talking, you should not interrupt in between, right? Yes, ma'am. Sorry. Yeah. That is not the way to talk. You should let me complete, and then you should have excused yourself and spoken, right? Fine. Anyways. So, मैं क्या बोलना चाह रही थी आप लोग को कि आप लोग सब जो यहाँ पे हो, जैसे मैंने अनन्या का एग्जाम्पल दिया, शी इज ऑलवेज समवन इज ऑलवेज ईगर टू आस्क क्वेश्चंस. जो भी है व्हेन शी केम बिफोर एनरोलमेंट, जब वो कविश के साथ एसोसिएट भी नहीं हुई थी, एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव सीन इन हर द काइंड ऑफ लाइक जो होता है ना, एक लस्ट टू नो डिफरेंट थिंग्स. मुझे जानना है मैम, मुझे करना है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करना है, दिस वॉज विद इन हर, राइट? सो ये फाइट जब तक आपके अंदर नहीं आती है ना, तो यूपीएससी टेक्स अ बैक सीट, राइट? सो इस एग्जाम के लिए, आप सबके लिए मैं ये बोल रही हूँ, ये रिक्वायर्ड है दैट यू शुड फाइट, यू शुड नो. जो वर्नेक्युलर बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी बंगला जिनका है, जिनको इंग्लिश लगता है कि नहीं मेरी इतनी अच्छी नहीं है, एडमिशन के टाइम आप लोग बहुत बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम इंग्लिश से डर लगता है, कैसे करेंगे, नोट्स तो ले लेंगे लेकिन फिर उसके बाद उसको पढ़ना, वर्नेक्युलर ज्यादा ईजी लगता है. Example of Abhishek Singh also. I don't know, he's with us today. Abhishek, are you there? No, he's not there with us. So ये सब जो चीजें है ना, ये बहुत vital elements है जो हम सोचते हैं कि important नहीं है, but these are the essential ingredients which are required of a aspirant in terms of ensuring that कि जो भी सामने आता है उसको बस grab करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो. आर्ट्स बैकग्राउंड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना है, अच्छे से करना है, डरना नहीं है आगे बढ़ने से, ठीक है? सो विद दैट काइंड ऑफ बैकड्रॉप इन माइंड एंड अ काइंड ऑफ मोटिवेशन विच आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू इज दैट ऑलवेज बी रेडी टू टेक चैलेंजेस. और कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको आपको फियरफुल है, जैसे इकोनॉमी बहुत जन आप लोग को बहुत डर लगता है सब्जेक्ट से, तो मैं सबके लिए बोलूंगी दैट मेक श्योर यू गो फॉर इट. क्यों नहीं करना? करना है और बहुत अच्छे से करना है, इट सोच के साथ आगे बढ़ना है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्विन डेफिसिट, सो वी वुड स्ट्रेट अवे गो टू दैट. इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. थैंक्स मैम. वेरी गुड. चलो, अब
इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. दो स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि कुछ स्टडी किया है. यू नो, सबसे पहले मैं मधुरिमा को रिक्वेस्ट करूंगी. मधुरिमा प्लीज आप बताओ इस टॉपिक के बारे में आपको क्या पता है. मैम, आई स्टडीड दैट ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम दैट इंडिया इज करंटली फेसिंग हैज बेसिकली टू एस्पेक्ट्स टू इट. वन इज द फिस्कल डेफिसिट एंड द अदर इज द करंट अकाउंट डेफिसिट. वेरी गुड, एकदम सही है. अब ये दोनों डेफिसिट क्या है, कुछ आइडिया है? Yes, ma'am. Fiscal deficit is when the government has spent too much as opposed to what it has gathered in terms of taxes. And current account deficit is when the has increased as opposed to exports. Current account is imports and exports, right? Yes. Okay. That is not current account. That is trade deficit. That is not current account, right? वहां पे एक थोड़ा सा आपका confusion है. Fiscal deficit आपका correct. ठीक है, fine. और okay, fine. Others को अभी और chance नहीं देके, you know, we will straight away go to the topic और उसके बीच में हम discussions करेंगे. Fine. सबसे पहले we would make it very clear in terms of understanding this topic holistically. सिर्फ यहाँ पे मैं ये ensure नहीं करूंगी कि आप लोग twin deficit समझो, क्योंकि जैसे अभी मधुरिमा ने डेफिनेशन में बोला दैट आपका ट्विन डेफिसिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. आई अग्री टू दैट, राइट? लेकिन अब ये फिस्कल क्या है, करंट क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये हम आज ही डिस्कशन करने वाले हैं. उसका रीजन क्या है, वो समझे बिना ट्विन डेफिसिट नहीं समझने आने वाला है. क्योंकि आपने देखा होगा जो पेपर होलिस्टिकली फॉलो कर रहे हैं और जो हमारा जो कविश का DNZ है उसको रेगुलरली कर रहे हैं, उन लोगों ने ट्विन डेफिसिट पे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे लास्ट 10 days 1 week में, ठीक है? लेकिन मेरे को क्लैरिटी क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. आई वांट योर कंसेप्ट टू बी करेक्ट. ताकि होता क्या है ना, यू आर नॉट श्योर वेदर यू गेट अ क्वेश्चन ऑन ट्विन डेफिसिट. मे बी यू गेट अ क्वेश्चन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू गेट अ क्वेश्चन ऑन रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट, BOP BOT को कंपेयर करने बोल दे. तो ये सब चीजों के लिए इन टर्म्स को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक तो हमारा ट्विन डेफिसिट क्लियर होगा एंड दूसरा क्या है, वी वुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके BOT BOP के चैप्टर्स में रिलेटेड है. आई एम श्योर आपके फैकल्टीज ने कराया है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर प्रशांत सर हैज डन इट और नॉट, बट स्टिल अगर किया है, नहीं भी किया है तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, और नहीं भी है देन ऑल्सो इट इज अ विन विन सिचुएशन. फाइन, तो आप सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज डेफिसिट. मुझे आप लोग बताओ डेफिसिट से आप लोग क्या समझते हो, ऑल ऑफ यू. विश्वनाथ आप बताओ अपनी भाषा में डेफिसिट क्या है. विश्वनाथ आर यू देयर? यस मैम. डेफिसिट क्या है, क्या समझते हो, हिंदी बंगला में क्या होता है डेफिसिट, क्या होता है? मैम नो आइडिया. फाइन, ओके, कोई और बताए. शायंता आप बताओ डेफिसिट मतलब क्या होता है, इस वर्ड का क्या मतलब है? मैम कोई भी चीज का घाटती होना, मैम मतलब कम जा रहा है या रिड्यूस हो रहा है. या वेरी गुड, रिड्यूस, किसी भी चीज का कम हो जाना. डेफिसिट मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपने प्लीज अपने माइक्स को आप म्यूट करें ऑल ऑफ यू. जैसे हम जो डे टू डे एक्सपेंडिचर अपने करते हैं, ठीक है, एक हमारी इनकम होती है, एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है. तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है हमारी इनकम से, दैट मीन्स व्हाट, वी आर हैविंग अ डेफिसिट. डेफिसिट मतलब होती है कमी, ठीक है. किसी भी दो चीज के बीच में जो डिफरेंस होता है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, इसका मतलब क्या है कि मतलब हमको पैसा कहीं और से लेके उच्च करना होगा मैनेज. ऑल ऑफ यू अग्री? यस. अगर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और कमा हम उतना नहीं रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हमको कहीं और से पैसा लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, चाहे आप अपने पेरेंट्स से लो चाहे अपने फ्रेंड से लो, ठीक है. तो उस जो गैप होता है बिटवीन एन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है. सिंपल डेफिनेशन डेफिसिट. और डेफिसिट का अपोजिट क्या होता है? Surplus. Very good. The opposite of deficit is surplus. Surplus मतलब होती है बचत.
जब हम बचत कर लेते हैं उसको हम सरप्लस कहते हैं, ठीक है, एंड वी ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट इट कि हाँ इस बार कुछ बचत आई है. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज अ डेफिसिट वी फील बैड अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज हमने खर्चा ज्यादा कर दिया है. अब उस खर्चे को करने के लिए हमने अगर कहीं से लोन लिया है, आप इमेजिन करो लोन के साथ ड्रॉबैक क्या है, कहीं से लोन लेने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? व्हाई इंटरेस्ट? प्रिंसिपल तो देना ही है आपको. आपने किसी से 10,000 लिया, आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी उसको देना है, ठीक है. सो दैट इज द यू नो ड्रॉबैक ऑफ डेफिसिट, राइट, दैट यू हैव टू रिसोर्ट टू बोरोइंग. आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी उस खर्चे को मैनेज करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली खर्चा तो करना ही है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो नेसेसिटीज है वो तो हमको करना ही है, ठीक है. तो अगर वो नहीं कर पा रहे हम कहीं से उधार लेते हैं, उस उधार को वापस चुकाने के लिए हमको उसके साथ इंटरेस्ट साथ में पेमेंट करना होता है. दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेफिसिट, ठीक है. ये हमने डे टू डे का एग्जाम्पल लेके समझा. अब वहीं इसको समझो आप कि अगर गवर्नमेंट के केस में ये हो तो ये क्या होगा. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है? इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन गवर्नमेंट रेवेन्यू. जब ये हो जाएगा तब इसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट. फाइन, विल डू इन द लेटर स्लाइड्स, बट बस अभी के लिए समझो डेफिसिट इज यू नो किसी भी चीज के अंदर जो हमारा जो रिडक्शन हो जाता है, जो हमको मैनेज करना होता है, दैट इज योर डेफिसिट सिंपल लैंग्वेज में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. अब हम आते हैं मेन जो हमारा डिस्कशन है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट. टाइप्स ऑफ डेफिसिट क्या हो सकते हैं? यहाँ पे मैंने चार तरह के डेफिसिट लिए हैं. ये इनफ है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. सो द फर्स्ट इज बजटरी, द सेकंड इज फिस्कल, द थर्ड इज रेवेन्यू एंड द फोर्थ इज प्राइमरी, ठीक है. सो ये जो चार है हम इसको स्टडी करते हैं एक एक करके डिटेल्स में. ऑल ऑफ यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस and then I'll move. Yes, ma'am. Taken, ma'am. Okay, thank you. अब समझते हैं बजटरी डेफिसिट. बजटरी डेफिसिट नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मैम. टोटल सॉरी टोटल रिसीप्ट्स. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स, ठीक है. ये होता है आपका बजटरी डेफिसिट, ठीक है. अब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं? मेकिंग रोड्स, ब्रिज. नहीं नहीं, कैटेगरी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है. अकाउंट्स वाले स्टूडेंट आलोक विश्वनाथ. कैपिटल एंड रेवेन्यू. वेरी गुड. कैपिटल प्लस रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब हो गया टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है. सेम यहां पे होगा कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है. मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी. तो आपकी नेट में इश्यू होगा चांदनी. बाकी सबको क्लियर है? यस मैम. ओके फाइन. सो बजटरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन योर टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. ये सिंपल है. अब यहाँ पे मैंने दो टर्म लिखे हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है. मैं मेक श्योर करूंगी कि हम इस टॉपिक के साथ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर लेते हैं. वी विल नॉट लीव एनीथिंग फॉर यू नो फ्यूचर कि बाद में होगा तब करेंगे. अभी कर रहे हैं तो करते चलते हैं, ठीक है. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनीबॉडी? नाम से कुछ नहीं समझ में आ रहा है. कैपिटल मैम बिजनेस से रिलेटेड है. मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस सेटअप करने के लिए हम जो कैपिटल
शायंता आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है? यस मैम। फिर आप ऐसा बोल रहे हो, कैपिटल रेवेन्यू बोलो, मोप ही आप बताओ। मैम इट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर बिल्डिंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ओके एंड रेवेन्यू? मैम आई डोंट नो अबाउट रेवेन्यू। वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। चलो छोड़ो, वी जस्ट डू इट क्विकली। देखो कैपिटल और रेवेन्यू नाम से आप समझो, कैपिटल होता है एनीथिंग विच इज इन अ बिगर सेंस, ठीक है, और रेवेन्यू इज समथिंग विच इज इन द स्मॉलर सेंस। कैपिटल इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, ये आप लिखते चलो, एंड रेवेन्यू इज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस जो मोपिया ने बोला कि जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे जो खर्चा करते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ये सब पे जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब क्या है कि ये लॉन्ग टर्म है, जैसे आपके जो ऑफिस के हमारे जो लैपटॉप्स है, मशीन्स है, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड इज योर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। साइड में लिख लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बगल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस है। डे टू डे एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, गेस करो आप लोग। मैम सैलरीज आ सकते हैं मैम। वेरी गुड, वेजेस ऑफ लेबर आ सकते हैं मैम। आपकी जो वेजेस, सैलरीज, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ये सब आपके आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आप लोग याद रखो कि बजटरी डेफिसिट क्या है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द टोटल गवर्नमेंट रिसीप्ट्स, राइट। और टोटल एक्सपेंडिचर वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कैपिटल प्लस रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर द बिगर एक्सपेंडिचर्स, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑन द अदर हैंड आर द शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंस हम करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो वेजेस, सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल में लिख लो लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स, कुछ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। राइट, सो नाउ डोंट मेक अ यू नो काइंड ऑफ, इसमें वो मत करना आप लोग, बिकॉज व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स ना, इस तरीके से अगर आप पुट करोगे यू नो कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में दिस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में दिस, इट गिव्स अ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ कि हाँ स्टूडेंट नोज यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। So we have done one deficit. Now comes the second. अब आता है आपका fiscal deficit, ठीक है, जो कि मधुरीनो मैंने शुरू में बोला था, ठीक है। अब ये fiscal deficit क्या है? Fiscal deficit is equal to टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या होगा, अगेन टोटल रिसीप्ट्स, यहां पे एक ट्विस्ट आता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। बोरोइंग्स क्या होता है आप लोग बताओ? Borrowings from the foreign countries and borrowings from the RBIs. Loans. RBI. Simple definition में borrowings are loans. ठीक है. तो fiscal deficit is the difference between the expenditure and receipts excluding borrowing. अब आप समझो अगर total expenditure minus total receipts है, तो in a way can't we say fiscal deficit is equal to borrowings? Yes, ma'am. We can say this. और ऑब्वियसली वही है ना, फिस्कल डेफिसिट क्या है, हम बार बार फिस्कल डेफिसिट जो वर्ड यूज करते हैं, मतलब क्या है कि हमारा खर्चा हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है और उसके लिए हमको क्या जरूरत है, हमें बोरोइंग्स करने की जरूरत है, हमें लोन्स की जरूरत है, ठीक है, जो मैंने डेफिसिट की उसमें भी आपको समझाया था, ठीक है। अब बताओ लार्ज जो डेफिसिट होता है, लार्ज डेफिसिट अगर हो जाएगा, इज इट फेवरेबल फॉर द कंट्री और इज इट अनफेवरेबल, टेल मी दैट। Unfavorable, ma'am. Unfavorable. Yes, ma'am.
Tell me reason. Because the country's capacity of revenue receipts may not be as equal to the loan amount. Very good. ठीक. Implications करके लिख लो. Fiscal deficit हमने समझ में आ गया. महनाज आपको समझ में आया? Hello ma'am. हाँ बोले. मैम आपने ये जो क्वेश्चन पूछा मैम मतलब क्या इफेक्ट करेगा मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल होगा तो मैम क्या हम इसमें इन्फ्लेशन बोल सकते हैं मतलब अगर ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन भी तो आ सकता है अगर ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी तो हो सकता है मैम मतलब होगा ना इन्फ्लेशन होगा इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज इसी से तो होगा अभी वो इम्प्लीकेशंस में हम करते हैं ठीक है देखो सबसे बड़ी बात है फिस्कल डेफिसिट इज नॉट गुड राइट बिकॉज क्या है हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और उसके लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है ठीक है वो बोरो दो तरीके से कर सकते हैं एक तो डोमेस्टिक सोर्सेज से कर सकते हैं और एक आपके हो सकते हैं फॉरेन सोर्सेज डोमेस्टिक सोर्सेज आपका आरबीआई बैंक्स और फॉरेन में आपका फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक ये सबसे ये दो तरीके से लेते हैं बोरोइंग्स ठीक है अब इसकी implications क्या है fiscal deficit anytime can be asked in UPSC कि उसकी implications क्या है किसी भी इकोनॉमी पे इंडिया के perspective से अगर आप देखो सबसे पहला एक जो मेरे को लगता है वो है डेथ ट्रैप ये लिखते जाओ आप लोग implications सबसे पहला है डेथ ट्रैप क्या होगा मतलब क्या है We will take more loans from other countries which we will not be able to pay. Right, very good. ये जो हमारा जो continuous process होगा loan लेने का फिर उसके बाद उसका interest देने का ठीक है अब वो interest pay करोगे आप वो interest pay करके आपके revenue expenditure पे burden है ठीक है again आपको उसको facilitate करने के लिए again you will take loan तो ये पूरा एक cycle बन जाता है एक vicious cycle बन जाएगा जिसको हमने कहा है death trap ठीक है तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन है हम एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे जिससे हमको निकल के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है सेकंड आपको क्या लगता है बस थिंक जो अभी शायंता ने बोला इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज द सेकंड पॉइंट ठीक है क्योंकि क्या होगा जब लोन होगा बोरोइंग्स करेगी तो इट इज गवर्नमेंट विल टेक लोन्स फ्रॉम आरबीआई ठीक है और आरबीआई कैसे पैसा लेके आता है बाय प्रिंटिंग मोर नोट्स आरबीआई तो नोट्स और प्रिंट करेगा ना ठीक है उससे होगा क्या शायंता आर यू लिसनिंग मैम गोल्ड रिजर्व कम होगा मैम हाँ गोल्ड रिजर्व कम होगा हमारा मैंने सुना नहीं आपको प्लीज फिर से बोलिए मैम गोल्ड रिजर्व आरबीआई उसी हिसाब से प्रिंट करता है जितना हमारा गोल्ड रिजर्व तो हमारा गोल्ड रिजर्व हाँ वो वही मैं कह रही हूँ जब नोट्स हम प्रिंट करते हैं ना ज्यादा तो उससे क्या होता है मार्केट में पैसा ज्यादा जाता है कि नहीं यस मैम जितना नॉर्मल है उससे ज्यादा जाएगा अगर मार्केट में ज्यादा पैसा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा यस मैम डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा उससे अगेन जो शायंता का क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा डेफिनेटली होगा ज्यादा पैसा है मार्केट में लोग ज्यादा पैसा इनकम उनकी ज्यादा बढ़ेगी डिमांड ज्यादा है दे आर पेइंग मोर ठीक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा एंड द रिजल्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट फाइन नंबर थर्ड वाला और क्या लगता है आपको और कुछ है नहीं ज्यादा मुझे भी नहीं लगता लास्टली आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो वेस्ट फॉरेक्स रिजर्व कम हो सकता है राइट सो ये कुछ तीन से चार पॉइंट्स है जो आप फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस में लिख सकते हो that you know if a condition like this occurs economy pe aapke kya you know immediate effect aata hai theek hai uske point hai ki excuse me ma'am
राइट बोलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तो डिक्रीज हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप बात कर रहे हो ना दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट राइट यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट क्या है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीव से और गवर्नमेंट उसके लिए पैसा बोरो करता है वो कहीं से भी बोरो करे ठीक है अब वो बोरोइंग जो करता है उसका रिजल्टेंट इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या है दैट इज द क्वेश्चन राइट तो आप दोनों चीज को मिक्स कर रहे हो हाँ वी विल कम टू दैट लेटर हाँ वो आपका जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर फिस्कल डेफिसिट नहीं है उसका आंसर है करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है तो वो हम निलेश अभी नेक्स्ट करेंगे हाँ सो जस्ट बी ओके वेरी गुड सो फिस्कल डेफिसिट अपना ये हो गया सो शायंता इज इट क्लियर टू यू यस फाइन तो अब ये हो गया अब मुझे कुछ आप लोग बताओ कि फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आई विल जस्ट रब दिस अब मेरे को बताओ हाउ टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट ये सब तो प्रॉब्लम्स आ गई हाउ टू रिड्यूस मैम लोन कम लेके और सेल्फ सफिशिएंट बनना वो भी तो एक हो सकता है हाँ मैम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा मैम वेरी गुड सबसे इम्पोर्टेंट है हमको रिड्यूस करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ही बात है ठीक है सबसे पहले हमको अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है आपने बोला लोन कम लेना लोन कैसे कम लेंगे खर्चे तो अपने फिक्स्ड है ठीक है उस खर्चों को हमको कम करना है ताकि हमें लोन कम लेने पड़े ठीक है अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे कट करता है गवर्नमेंट सबसे पहला क्या है कट ऑन सब्सिडीज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर ऑल ऑफ यू अग्री यस मैम यस मैम उस पे हमें रिडक्शन करना है दूसरा यस मैम कट ऑन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं एक तो प्लान्ड होते हैं एक नॉन प्लान्ड होते हैं देखो प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जैसे हमने प्लानिंग किया कि यहाँ पे एक एक पुल बनने वाला है यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट बनने वाली है तो ये मतलब प्लान्ड है कि हमको करना है उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो चुकी है लेकिन नॉन प्लान क्या होते हैं जो इमीडिएट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि आपका बोनस है काइंड ऑफ और जो कंसेशंस है उस तरीके की जो एक्सपेंडिचर्स है तो उस पे हम कट कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि चलो थोड़ा सा बोनस को रिड्यूस कर देते हैं इस साल तो उस तरीके के जो खर्चे हैं उसको हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ठीक है तो ये दो बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकते हैं अच्छा ये तो एक बात हो गई पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके फिस्कल डेफिसिट कम हो गया दूसरा क्या है रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं मैम टैक्स स्लैब इंक्रीज करके यस इंक्रीज करना है हमको रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है और रेवेन्यू को इंक्रीज करना है सबसे पहला जो एग्जाम्पल है टैक्सेस हमको टैक्सेस इंक्रीज करने हैं ठीक है अब अच्छा आप बताओ टैक्सेस हमारे कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन टैक्स पे करती है मैम पर्सनल टैक्स 1% से भी कम लोग पे करते हैं एंड फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपके ऑलमोस्ट सभी पे करते हैं 1.46 है आप 1-2% बोल सकते हो ठीक है ये आपके परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स है निलेश माइंड इट ये डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं जैसे जो इनकम टैक्स होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली हम सरकार को पे करते हैं ठीक है आप ये सोचो कि हमारी 136 करोड़ की पॉपुलेशन है ठीक है उसमें कितने लोग सिर्फ 1-2% लोग डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को तो यहाँ पे अपने को कैसे रेवेन्यू इंक्रीज होगा दूसरी चीज क्या है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो भी जो अब जीएसटी के आने के बाद तो एलोकेशन बढ़ गई है बट इनिशियली वो भी कम था एंड सो वी हैव टू वर्क ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पेशली डायरेक्ट पे ज्यादा वर्क करना है क्योंकि डायरेक्ट से ज्यादा पैसे आते हैं सरकार के पास ठीक है तो डायरेक्ट टैक्सेस पे वर्क करना है दूसरा क्या है टैक्स इवेशन आप लोग सबने समझा है क्या होता है टैक्स की चोरी
मतलब टैक्स की चोरी करना, ठीक है, जो जो टैक्स की चोरी करते हैं उससे अपने को बचना है, उनको पेनल्टीज देके, यू नो, सो दैट यू डोंट, यू नो, फूल ऑन टैक्सेस, यू नो, आप टैक्सेस रेगुलरली गवर्नमेंट को पे करो, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग देम देन यू हैव टू पे इट विद अ ह्यूज पेनल्टी. और दूसरा है टैक्स बेस को हम ब्रॉडन कर सकते हैं, जो हमारे स्लैब्स है उसको थोड़ा सा ब्रॉडन कर सकते हैं, ठीक है. सो ये तीन बेसिकली वेज है जिससे हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमको करना है, इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा. और दूसरा जो तरीका है, हमको पब्लिक एक्सपेंडिचर पे वर्क करना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. यस मैम. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड. एनीबडी नॉट अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी. फाइन, चलो. फिस्कल डेफिसिट हो गया तो रेवेन्यू डेफिसिट इज वेरी इजी. ये क्या है मैम? जो रेवेन्यू ऑन कर रहे उसमें डेफिशिएंसी, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीव्स, ठीक है. ऑल ऑफ यू, शुरू में हमने जब फिस्कल डेफिसिट किया था तो मैंने आपको समझा दिया था कैपिटल और रेवेन्यू क्या है. तो जब हम रेवेन्यू डेफिसिट अलग से निकालते हैं, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीव्स का डिफरेंस, तब उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, अगर अलग से निकालना हो तो. और अगर साथ में रेवेन्यू और कैपिटल मर्ज करके निकालते हैं, देन यू नो वी व्हाट वी गेट इज रेवेन्यू डेफिसिट. तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो इतनी नहीं है कि वो खर्चे मैनेज कर पाए, ठीक है. द गवर्नमेंट इज नॉट अर्निंग इनफ सो दैट इट कैन मीट द डेली और यू नो द डे टू डे एक्सपेंसेस, राइट. सो इन दिस केस we have a position like revenue deficit. तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? अगेन what is the answer? How do we manage it? Revenue deficit को कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैम borrowing interest की borrowing from interest को less. Yeah, that is okay. But better to write it. We can manage it by capital received. Ma'am, we can also manage it like by reducing the tax. Reducing the tax? नहीं नहीं, revenue deficit हो गया तो tax को तो बढ़ाना है. एक घटा कैसे दोगे? Revenue क्या है? Government का revenue तो taxes से आता है ना पूजा? Yes ma'am. हाँ, तो taxes तो बढ़ाना पड़ेगा. तो अभी हमने पहले discuss किया. अब revenue deficit है तो उसके लिए हमको और borrowings करना होगा, ठीक है. तो उसका आंसर है कैपिटल रिसीव्स. बिकॉज देखो, रेवेन्यू रिसीव्स से आप रेवेन्यू डेफिसिट मैनेज कर पाओगे? सोचो, क्या रेवेन्यू डेफिसिट जब है, रेवेन्यू रिसीव्स से मैनेज हो जाएगा? डेफिसिट हो गया, टैक्सेस बढ़ा और बढ़ा देते हैं, हो जाएगा? नो, यू हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ कैपिटल रिसीव्स, दैट इज हमको बोरोइंग करना पड़ेगा. yes, चाहे आप एक्सटर्नल करो, चाहे आप डोमेस्टिक करो, लेकिन आपको बोरोइंग करना पड़ेगा, ठीक है. So, मैम एक्चुअली पहले जैसे नेटवर्क इशू हुआ था ना, इसको थोड़ा समझ नहीं आया पहले वाला. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई डाउट रहेगा कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है. ओके मैम. हाँ चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े. यस मैम. अब अभिषेक मुखर्जी, आर यू देयर विद अस? यस मैम. कुछ दिक्कत अभिषेक अभी तक?